हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट ए पार्ट डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर इट। पार्ट बी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड आई थिंक देयर शुड बी सम वैल्यू लाइक लेट्स सी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल। ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, potential at the center of square. Okay, so first of all we have to define the gravitational potential at a point in the gravitational field and a relation for it. तो यहाँ जो key concept use करने वाले हैं वो use करने वाले हैं हम इसका theoretical part. और theoretical में क्या होता है, key concept हम देखेंगे what is gravitational potential. तो define करते हैं इसको gravitational potential को. Let me write this here, gravitational potential. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास एट दैट पॉइंट From infinity. Basically इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करना है तो वो क्या होता है, किसी यूनिट मास को अगर इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वी इज इक्वल टू वर्क डन कितना करना पड़ा पर यूनिट मास को. तो दिस इज द फॉर्मुला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. हमें इसका रिलेशन बताना है, तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, क्या इसमें रिलेशन होता है, सो देखते हैं इसका डेरिवेशन. सो लाइक दिस, अगर मेरे पास यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है, लेट मी चेंज कलर पेन, अगर ये इन्फिनिटी पॉइंट है और ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे कोई मास एम रखा है जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में ये पॉइंट पी पे हम इसको ला रहे हैं, ठीक है. ये पॉइंट एम, मास एम की वजह से इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट हो रही है. ग्रेविटेशनल फील्ड एक स्मॉल मास, स्मॉल टेस्ट मास है, इसको हम यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पर ला रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एम में. तो जो फोर्स लगे इस पर, एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. वो कितना होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ऑफ जी इज इक्वल टू होता है जी एम एम बाय जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर होता है. तो बेसिकली अगर ये डिस्टेंस आर पर ला रहे हैं तो कितना होगा वो जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है. सो अब यहाँ से देखा जाए तो फोर्स इतना हो गया, और हमें पता है यहाँ से ये भी याद रखना वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के, एफ इंटू डी आर के बराबर होता है. सो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अब सिंपल, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ से, वर्क डन छोटा वर्क डन स्मॉल मास को लाने के लिए वो हो जाएगा हमारे पास एफ इंटू डी आर स्मॉल वर्क डन. तो यहाँ से हो जाएगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर. सो वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कर देंगे डी डब्ल्यू का, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से आर के लिए, तो इन्फिनिटी से आर ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से आर वैल्यू पुट कब करेंगे, तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर. जी एम एम हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, जो हो जाएगा जी एम एम Infinity to R, और ये हो जाएगा 1 by R square dr. 1 by R square का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ 1 by R, तो W is equal to G M M माइनस ऑफ 1 by R, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू R. तो लिमिट कैसे रखते हैं, G M M लिमिट रखेंगे तो ये पहले ऊपर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट माइनस 1 by इन्फिनिटी, और 1 by इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, तो दिस टर्म विल बिकम जीरो. यहाँ से हो जाएगा W वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर. हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता था, V इज इक्वल टू होता है W बाय एम. तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर इंटू एम, एम से एम कैंसिल. तो यहाँ से जो रिलेशन आ गया पोटेंशियल और इसमें, तो हो जाएगा जी एम बाय आर इस माइनस ऑफ जी एम बाय आर. अगर हमारे पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड मास एम की वजह से क्रिएट हो रही है तो उस पर पोटेंशियल कितना होगा, ग्रेविटेशन में माइनस जी एम बाय
आर। सो दिस इज द आंसर फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए। और बी पार्ट क्या था उसका, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर पार्टिकल ईच ऑफ मास एम प्लेस्ड एट वर्टेसिस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल, ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी बतानी है हमारे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है किसी मास m से दो, पोटेंशियल एनर्जी दो मास इसके बीच में कर दिया जाता है। अगर मेरे पास m1 मास है, दूसरा मास m2 है, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ जी स्मॉल m1 m2 बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है r के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही यूज करने वाले हैं। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन बोला कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पर फोर मासेस रखे हुए हैं। लेट मी ड्रॉ दिस स्क्वायर। ऐसे एक स्क्वायर गिवन है, कॉर्नर्स पर मासेस रखे हुए हैं, एक एम ये, दूसरा एम, तीसरा एम, और स्क्वायर है तो साइड्स की लेंथ कितनी होगी, सेम होगी एल 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 एल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस किस के बराबर निकालेंगे, तो एक इस वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग एम इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। तो चार तो हमारे पास ये वर्टिसेस वाले होंगे और दो कौन से होंगे, डायगनल वाले भी होंगे ये वाले। तो दो ऐसे बनेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें सिंपल क्या कर देंगे, ये वाले डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच का, अगर ये एल है एल है तो ये हो जाता है हमारे पास एल रूट टू, और सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा एल रूट टू। तो देखते हैं पहले पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस। सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, हमारे यहाँ पे सिक्स सेक्स सिस्टम बन रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सिक्स सिस्टम्स में, तो यू वन कितना होगा, जी माइनस ऑफ जी एम वन एम टू यानी कि एम स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस एल। ठीक है, तो ये कितने के लिए होगा, चार सिस्टम्स के लिए होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे फोर टाइम्स, उसी का भी देख लेंगे वो। और डायगनल के लिए कितना होगा, U वो कितना है फाइव इज इक्वल टू यू सिक्स होगा, जो कि वो कितना होगा माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर बाय एल रूट टू। ठीक है, अब हमें क्या निकालने है, इन पूरे सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हो जाएगा यहाँ पर के नेट ग्रेविटेशनल एनर्जी, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, फोर टाइम्स ऑफ यू वन, क्योंकि वो चार बार था चार सिस्टम, प्लस और क्या था हमारे पास टू टाइम्स ऑफ डायगनल, यानी कि वो कितना था यू फाइव। तो फोर टाइम्स ऑफ ये कितना था माइनस ऑफ जी एम स्क्वायर बाय एल, और प्लस टू टाइम्स ऑफ दिस माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल रूट टू। तो यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन दिख रहा है मेरे को, यहाँ से तो फोर कॉमन निकल जाएगा, सॉरी टू, लेट मी राइट दिस अगेन, ओके, यहाँ से कॉमन निकलेगा हमारे पास माइनस ऑफ टू, ओके माइनस ऑफ टू कॉमन निकल जाएगा, और जी कॉमन निकल जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, और एल कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, टू यहाँ से बचेगा, बाकी सब कॉमन निकल गया, प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन निकला है, तो वन बाय एल कॉमन निकल गया रूट टू। तो दिस इज द नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक और चीज पूछी थी, दूसरी चीज क्या पूछा है इसमें, दूसरी चीज देख लेते हैं उसमें और क्या पूछा है इस क्वेश्चन में ही। इस क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमने देखा कि किसी मास m की वजह से कितना होता है, एक मिनट लेट मी सी दिस, वो कितना होता है माइनस ऑफ जी एम बाय आर होता है। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं। सो लेट मी राइट दिस अगेन, लेट मी एड वन स्लाइड, ओके दिस। सो अब क्या पूछना है हमारे पास, पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर। तो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। इस टाइप से हमारे पास ये स्क्वायर था, इसका मास m, m, ये m था, ये m था, अगर ये l है, ये l है, ये l है, और ये l है, तो हमें इसके सेंटर पे बताना है। तो जो हमारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर इसकी वजह से हम निकालेंगे, इसकी वजह से हम निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे, तो चारों मास इसकी वजह से निकालेंगे और स्केलर क्वांटिटी तो सिंपल ऐड कर देंगे, इसमें कोई डायरेक्शन देखना नहीं है। तो ये वाले डिस्टेंस पता होना चाहिए कि बस हमें ये वाले डिस्टेंस कितना है। तो अगर ये एल रूट टू पूरा है तो ये सेंटर का डायगनल जो होते हैं स्क्वायर के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एल रूट टू बाय हाफ। तो ये अगर मैं इस पॉइंट को नाम दूं ए
बी सी डी। तो जो एओ होगा इक्वल टू होगा बीओ के, इक्वल टू होगा सीओ के, और इक्वल टू होगा ओडी के। कितना होगा? वो होगा एल रूट टू का, एल रूट टू का हाफ। तो एल बाय ये हो जाएगा बेसिकली रूट टू, ठीक है। रूट टू से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू रूट टू, टू से टू के आंसर, तो एल बाय रूट टू आ जाएगा। सो पोटेंशियल, लेट मी कॉल दिस वन, दिस मास टू, दिस मास थ्री एंड दिस मास फोर। सो वी वन जितना होगा उतना ही वी टू होगा, उतना ही वी थ्री होगा, उतना ही वी फोर होगा। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ जो वी वन इज इक्वल टू होगा वी टू के, इज इक्वल टू होगा वी थ्री के, इज इक्वल टू होगा वी फोर के। वो किसके इक्वल होगा? हमारे पास लेट कॉल दिस वी के। तो ये कितना होगा हमारे पास? माइनस ऑफ जी एम बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है आर, विच इज एल बाय रूट टू। तो नेट पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा यहां से? नेट पोटेंशियल एट सेंटर, नेट पोटेंशियल एट सेंटर वो हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ वी, क्योंकि चारों से हम जोड़ देंगे, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर, यानी फोर टाइम्स ऑफ वी, यानी माइनस ऑफ फोर जी एम, रूट टू भी ऊपर आ जाएगा तो उसको भी देख लेंगे एल रूट टू। यानी यहां से हम जो सकते हैं नेट पोटेंशियल एट सेंटर कितना हो जाएगा? वी नेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर रूट टू जी, और साथ में क्या था, एम बाय एल। तो दिस विल बी द नेट पोटेंशियल एट सेंटर। सो बेसिकली हमसे इस दोस्त क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, एक तो हमसे लाइक दो पार्ट थे, और पार्ट ए में था ग्रेटेस्ट पोटेंशियल का रिलेशन, वो हमने फाइंड आउट किया माइनस जी एम बाय आर होता है। पोटेंशियल एनर्जी पूछी सिस्टम सेंटर पे, तो वो हमने निकाल दी पूरे सिस्टम की, और फिर हमने पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर भी निकाल दिया। सो द फाइनल आंसर आर दिस। हाँ, सो एक तो ये था हमारे पास फोर माइनस फोर जी एम बाई एल टू, दिस वन माइनस फोर रूट टू जी एम बाई एल टू। एक आया था हमारे पास ये, कितना आया था ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, दिस वन टू जी एम आई स्क्वायर बाई एल टू। तो तीनों का आंसर ये सब हो गए। सो होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।